बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम फिज़िक्स का 31 मार्च को होने वाला पेपर डिस्कस करते हैं, ग्रुप बी और सी का। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मल्टीपल चॉइस है हमारे पास, द कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड इज़ नियरली, कि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की तादाद कितनी है। तो इसकी ऑप्शन ए है हमारे पास 40%, बी है 60%, सी है 25% और डी है 50%। तो करेक्ट आंसर है इसका 50%। आगे नंबर टू है, अ फॉग ड्रॉपलेट फॉल्स वर्टिकली थ्रू एयर विद एन एक्सलरेशन, किस एक्सलरेशन के साथ जो फॉग ड्रॉपलेट है, धुंध का कतरा है, वो नीचे गिरता है। तो इसकी ऑप्शन है हमारे पास ए इक्वल टू जी, बी है लेस देन जी, सी है ज़ीरो और डी है ग्रेटर देन जी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, ये यहाँ पे मेंशनड है। उसके बाद नंबर थ्री है हमारे पास, द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी आर, के विस्कोसिटी की डायमेंशंस हमारे पास क्या हैं। तो इसकी ऑप्शन है हमारे पास ए एम स्क्वायर एल माइनस टू टी माइनस टू, बी है एम माइनस वन एल टी माइनस वन, सी है एम माइनस वन एल माइनस वन टी और डी है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। इसके लिए आप ये जो चैप्टर नंबर वन का एग्जांपल है 1.6, उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ मल्टीपल चॉइस को डिस्कस करते हैं, द रेशो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वाटर इन अ पाइप लाइंग हॉरिजेंटली एट टू एंड्स इज़ 1:4, द रेशो ऑफ डायमीटर्स ऑफ पाइप एट दीज टू एंड्स इज़, ऑप्शन ए है 1:2, बी है 2:1, सी है 1:4 और डी है 4:1। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 2:1। नंबर फाइव, द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज़ नियरली इक्वल टू, के ब्लड की जो डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है। तो ऑप्शन है ए एयर, बी है वाटर, सी है मिल्क और डी है हनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाटर। वाटर की और ब्लड की जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। आगे नंबर सिक्स पे, वेंचुरी रिलेशन इज़ गिवन एज़, के वेंचुरी रिलेशन का फार्मूला क्या है। तो ए है हमारे पास P इज़ इक्वल टू 1/2 रो स्केयर वी स्केयर, बी है P1 - P2 इज़ इक्वल टू 1/2 रो V2 स्केयर, सी है P1 - P2 इज़ इक्वल टू 1/2 SV1 स्केयर माइनस 1/2 IV2 स्केयर और डी है V2 इज़ इक्वल टू √2G × H1 - H2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बी P1 - P2 इज़ इक्वल टू 1/2 रो V2 स्केयर। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन सेवन है, द फ्लूड इज़ सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल, फ्लूड को कब हम इनकम्प्रेसिबल कह सकेंगे, जब इसकी डेंसिटी हो। ऑप्शन है ए ज़ीरो, बी है वेरी हाई, सी है वेरी स्मॉल और डी है कॉन्स्टेंट। तो बेटे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास कांस्टेंट, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एट, द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज़, कि हमारे पास हमें पता है कि ब्लड प्रेशर की दो टाइप्स होती हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक हेल्दी पर्सन जो है, नॉर्मल इंसान, उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी ऑप्शन है ए 110 TAR, बी 115 TAR, सी 120 TAR एंड डी 130 TAR। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 120 TAR। आगे नंबर नौ पे है, टोटल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम एट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है एक्स इज़ इक्वल टू X0/2 विल बी। तो इसकी ऑप्शंस हैं हमारे पास ए 1/2 KX0² बी 1/2 K × X0² - X2 सी
के एक्स नॉट स्क्वेयर, डी वन ओवर फोर के एक्स नॉट स्क्वेयर। तो बेटे इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए वन ओवर टू के एक्स नॉट स्क्वेयर। आगे नंबर टेन पे है, द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मैस एम अटैच टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ कोई मैस अटैच्ड है, उसकी वैल्यू है एम, मैस कितना है एम, तो उसकी हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। तो उसका फार्मूला क्या है? तो नंबर वन है ए पे है हमारे पास टू पाई स्क्वायर रूट के ओवर एम, बी है टू पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के, सी है वन ओवर टू पाई स्क्वायर रूट के ओवर एम, डी है वन ओवर टू पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वन ओवर टू पाई स्क्वायर रूट के ओवर एम। नंबर इलेवन पे है, इफ़ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज़ कॉन्स्टेंट एंड इट्स मैस ऑफ बॉडी इज़ डबल्ड इट्स टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम उसकी लेंथ जो है वो सेम रहने दें और इसके मैस को डबल कर दें। तो बेटा इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास ए डबल, बी है हाफ, सी है फोर टाइम्स, डी है रिमेन्स सेम। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है रिमेन्स सेम, क्योंकि हमें पता है कि जब मैस जो है सिंपल पेंडुलम जो है वो इंडिपेंडेंट होता है मैस के, उसके ऊपर उसके टाइम पीरियड के ऊपर मैस का कोई भी असर नहीं होता। तो इसलिए मैस को डबल कर दें फोर टाइम्स कर दें तो उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। उसके बाद नंबर ट्वेल्व पे है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज़, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट क्या आएगा? तो टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसकी ऑप्शंस हैं हमारे पास ए ज़ीरो, बी वन, सी पाई, डी टू। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास वन। नंबर थर्टीन पे है, इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज़ टू सेकेंड्स देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, यहाँ पे सेकेंड पेंडुलम की बात की जा रही है कि वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हमारे पास टू सेकेंड हो उसे हम क्या कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी 0.5 हर्ट्ज़। मीन के यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं ए 1 हर्ट्ज़, टू बी 2 हर्ट्ज़, सी 0.5 हर्ट्ज़, डी 0.25 हर्ट्ज़। तो करेक्ट आंसर है सी 0.5 हर्ट्ज़। नंबर 14 पे है, इफ़ मैस ऑफ पेंडुलम बिकम्स डबल देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, ऑप्शन है हमारे पास ए डबल, बी हाफ, सी फोर टाइम्स, डी रिमेन्स सेम। तो पहले भी बताया है आपको कि मैस का टाइम पीरियड पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा सेम रिमेन सेम। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।